नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक के अंदर। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा ज्वालामुखी धधक रहा है, सिमर रहा है। अब इसके कुछ सिम्टम्स बाहर आने शुरू हो रहे हैं और ये सिम्टम किसी एक राज्य से नहीं, जगह जगह से हैं। राजस्थान से निकल कर आ रहे हैं, गुजरात से हैं, कई और प्रदेशों से भी इस किस्म के संकेत मिल रहे हैं। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी इस किस्म की आ रही हैं कि कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी कुछ ऐसी आ रही हैं जिससे लगता है कि ये जो तानाशाही का माहौल है, हालांकि यहां पर फौलादी शिकंजे को और ज्यादा कसने का प्रयास किया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जर्मनी के एम्बेसडर ने सिर्फ इतना कहा कि भाई केजरीवाल साहब को जो गिरफ्तार किया गया है तो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा। उसके ऊपर ही इतने आग बबूला हो गए कि आज जयशंकर बरस पड़े और उसके राजदूत को बुलावा भेज दिया कि हमारे आंतरिक मामलों में आपने दखलंदाजी कैसे की। तो मैं जयशंकर जी को विनम्रता के साथ याद दिलाना चाहूंगा, बस परसों ही अमेरिका ने भारत के मामलों में दखलंदाजी की। जब चीन ने यह कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और भारत का हिस्सा नहीं, तो उसमें अमेरिका कूदा, कहता नहीं अरुणाचल प्रदेश को मैं भारत का हिस्सा मानता हूं, तो भारत ने उसका तहे दिल से स्वागत किया। क्या ये भारत के और चीन के अंदरूनी मामलों के अंदर क्या ये दखलंदाजी नहीं है? व्हाई यू आर गेटिंग इनटू दीज टू थिंग्स? तो जहां सहूलियत होती है, वही टाइम मैगजीन हो या बाकी मैगजीन्स हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन हो, जहां उनको एक सूटेबल आर्टिकल मिल जाता है, इनकी तारीफ होती है, तो फिर पूछिए मत। और जहां कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि उनके खिलाफ कुछ आ जाए, जहां पे एक खास तौर से मुझे आज भी वो एक कवर याद आता है टाइम मैगजीन का, डिवाइडर इन चीफ, जिसने एक किस्म से पूरी दुनिया में तहलका मचाया था। तो अब ये फिर से आजकल वो डिवाइडर इन चीफ वाला दोबारा से क्या कहते हैं कि वायरल होना शुरू हो रहा है कई जगह पे, कि इन्होंने तो वास्तव में प्रूव कर दिया कि मैं डिवाइडर इन चीफ हूं। तो ये चीजें घट रही हैं, लेकिन भाजपा के अंदर कई लोग कह रहे हैं कि हम वो पार्टी नहीं है जिस रूप में लोग हमें अब देखने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को चश्मा बदलने की जरूरत है। लेकिन चश्मा कितना बदलें साहब, क्योंकि ये अटल बिहारी वाले ही तो भाजपा है नहीं, और कई जो पुराने भाजपा के वर्कर्स हैं, इवन जो कई नए भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये वो दल तो नहीं है जिसकी कल्पना हमने की थी। और शायद दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, और इस कंट्रोल से कुछ तो मुक्ति चाहिए होगी उन लोगों को जो अपनी सांसों को घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राकेश अचल जी, गिरीश जोशी जी, मीनू जैन जी, विवेक देशपांडे साहब, सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं और सूक्ष्म और पैनी नजर रखते हैं। आज वैसे महुआ मोइत्रा के ऊपर भी रेड हो गई है, शायद ये इस बात का संकेत है। मीनू जैन जी, पहले आपके पास आऊंगा कि आप जो चाहे कर लीजिए, आचार संहिता लगती हो तो लगने दो, मेरी निरंकुशता बढ़ती चली जाएगी, आप देख लीजिएगा, ये मेरा कहना है। वहां पर आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा, अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा क्या है और क्या साबित करना चाहते हैं? अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए मीनू जी आप। सॉरी, देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं कि एक मिनट विवेक जी, आपके दो तस्वीरें आ रही हैं मेरे पास, एक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, इसमें आपने दो बार साइन किया हुआ है तो एक साइन ऑफ कर दीजिए उसमें से। जी मीनू जी, आप यू कंटिन्यू। जी जी हाँ जी, मोदी जी चाहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, ये उनका एक मोटो है, गाना है, वो फिल्म का गाना है, वो भी मोदी जी चाहे तो वो भी गा सकते हैं अपनी चुनावी रैलियों में। तो मोदी जी का जो है कि उनकी जो ये तानाशाही प्रवृत्ति है, ये इसी बात का सूचक है कि वो चाह ही नहीं रहे हैं, जिसमें कि आप महुआ मोइत्रा लगा लीजिए, कल केजरीवाल लगा लीजिए, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के खाते सील करना लगा लीजिए, उससे पहले हेमंत सोरेन लगा लीजिए, उससे पहले तेजस्वी यादव, लालू यादव,
और अभी बता रहे हैं कि और भी कईयों का नंबर है जो जो जिन जिन से इनको खतरा लगता है, और जहां जहां इनको अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है जिस जिस स्टेट पे, उन सबका नंबर लगेगा। देखिए मैंने आज से, जब कोई कोई नहीं कह रहा था, मैंने 8 महीने पहले करीब कहा था कि चुनाव होने से पहले इस देश के विपक्षी नेता बड़े बड़े सलाखों के पीछे होंगे और सेकंड लाइन लीडरशिप चुनाव लड़ेगी, इसलिए उनकी तैयारी रखनी चाहिए। मैं तब कहा था मैंने, लेकिन शायद लीडर्स का क्या होता है, उनकी अपनी सोच होती है कि क्या हाथ लगा लेंगे, कौन करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ तो नैतिकता बची होगी, कितना भी अनैतिक हो जाए कोई राजनीतिज्ञ। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है जहां पे नैतिकता एटसेट्रा उनकी डिक्शनरी में नहीं है, नैतिकता या विपक्षी दलों को सम्मान देना। आप ये देखिए, उन्होंने कांग्रेस को कभी विपक्षी, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दिया ही नहीं लोकसभा में। वजह ये बता दी कि आप उस क्राइटेरिया को मीट आउट नहीं करते, बट सदाशयता होती है एक, वो शुरू में ही पता चल गया था कि इनकी सदाशयता उसके लिए है ही नहीं। आज उसका कल्बिनेशन 10 साल बाद इस स्थिति में हुआ है कि एक प्रमुख विपक्षी दल जो कि पैन नेशनल नेशन, जो पैन इंडिया पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके खाते सीज कर दिए गए हैं। वजह क्या है? वही वजह है कि ताकि चुनाव लड़ ना पाए, आधे अधूरे संसाधनों से लड़ेंगे चुनाव तो कुछ इनका होगा नहीं, रीच ही नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी का जो एक बम्बार्डमेंट होगा विज्ञापनों का और रैलियों का और नारों का और पब्लिसिटी मटेरियल का, उसके सामने तो कोई भी अच्छे से अच्छा धुरंधर वक्ता और धुरंधर प्रचारक भी पानी भरे तो। लेकिन जो मोदी जी जो है, जिस चीज को ये समझ रहे हैं, जैसा आपने बोला कि भाई भाजपा के भीतर एक बड़ा ज्वालामुखी भड़क धड़क रहा है। देखिए कई जगह से खबरें आ रही हैं, जैसे गुजरात से खबरें आ रही हैं और अभी झारखंड से, तो वहां का एक उनका बड़ा नेता जयप्रकाश पटेल वो जो कांग्रेस पे आ गए और अभी वो हाजी हजारीबाग से ही चुनाव लड़ने भी वाले हैं। इसी तरह से कल आपने देखा होगा वंचित शोषित अघाड़ी के करीब 30 30 जो छोटे छोटे दल है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो और ये इस देश के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा 10 सालों में कि कांग्रेस की तरफ लोग आ रहे हैं। अभी तक आपने 10 सालों से देखा होगा कांग्रेस से जाने वालों का तांता लगा हुआ था, हर रोज खबर आती थी, और अब हर रोज ये खबर आ रही है, अभी यहाँ अभी वहां, कोई बड़ा नेता, कोई छोटा नेता, मझोले कद का नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, तो उसकी कोई तो वजह होगी ना। तो वजह उसकी ये भी है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये गलत लोग हैं और इनका साथ देना अपने अपने जमीर का सौदा करना है, तो ये वाली स्थिति यहाँ पे आ गई है मोदी जी को। लेकिन लगता है आज भी जो उनकी जो भावभंगिमा है और जो वो गाना आप बता रहे थे, जैसा गा रहे हैं कि तेरी जहां नजर है, क्या जहाँ तेरी, आप जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा, मुझे खबर है बचना सका, कोई आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ ही ये जितने। ये मोदी जी का गाना सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीम्स बन रहे हैं कि वो शायद कालिया फिल्म का गाना है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे हाथ इतने लंबे सकता उससे। और फिर हमें सोशल मीडिया कह रहे हैं जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, उस गाने के द्वारा ये बता रहे हैं कि मेरी नजर है तुम्हारे ऊपर, तुम बच नहीं सकते मुझसे। जी नहीं, मोदी जी की नजर पीएम केयर फंड के ऊपर भी है कि नहीं? मोदी जी की नजर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो कि हफ्ता वसूली बॉन्ड्स है, जिनके जरिए आप कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रख के आपने वसूली की है, रंगदारी वसूली है, उसके ऊपर भी नजर है कि नहीं है मोदी जी की? वो मतलब क्या सोच रहे हैं? मतलब मोदी जी सोच रहे हैं मैं तो कांच के घर में रहूंगा, मेरे तो हक है, और पत्थर मारूंगा दूसरों के ऊपर, लेकिन कोई उलट के ना मारे मेरे ऊपर। तो मोदी जी से पूछा जाएगा पीएम केयर फंड का हिसाब दीजिए, और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का नया, रोज नई नई खबरें आ रही हैं, और नया अब तो सारा लिस्ट जारी हो गई है मिलान करके भी कि कौन किसका और किसके बदले में और क्या क्विड प्रो को हुआ है, उसकी सारी आ गई है, तो उससे आप बच कैसे सकते हैं? ये तो इनकी बेशर्मी है या विपक्ष की ये कह दीजिए शालीनता ज्यादा है। अदरवाइज तो जो मोदी जी ने गाना निकाला है उससे भी ज्यादा ऐसे गाने हैं और जो इनके ऊपर इतना बुरी मार करें कि इनको कहीं छुपने के लिए जगह ना मिले। पता, इनको शर्म ही नहीं आती, इतना बड़ा कांड कर दिया है इन्होंने, मतलब सारा जो पूरे विपक्ष के जो कुछ भी छोटे मोटे काम हुए होंगे वो एक तरफ है, और ये पीएम केयर और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार है ये बिल्कुल एक तरफ है। और ये केवल भ्रष्टाचार नहीं है, ये आपराधिक मानसिकता के लोगों का काम होता है दिनेश जी, ये जो माफिया गिरोह के लोग करते हैं, जो डॉन होता है, माफिया डॉन, वो ऐसे ही तो करता है,
भाई फोन कर देता है या करवा देता है अपने हेंचमैन से कि भाई इतना दे दो नहीं तो लड़का उठा लेंगे, तेरे बच्चे उठा लेंगे, बीवी को मार देंगे, तो वो ही होता है और अगले दिन पैसा आ जाता है। तो और कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, डरते हैं लोग, मतलब फोन आते ही डॉन का लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। तो वो वाली स्थिति है, वो ही कॉरपोरेट सेक्टर का इन्होंने किया है, तो उनको वो बिल्कुल बेचारे बिल्कुल बंधुआ बन गए इनके। तो ये चीज मोदी जी जो है ना जिस तरीके से अपना चला रहे हैं उसको देखिए, जो पार्टी में जो लोग हैं, जमीर तो सभी का होता है, अब उसमें हो क्या रहा है कि बीजेपी के जो दरी बिछाते रहे बेचारे, कुर्सियां बिछाते रहे, पानी पिलाते रहे, वो तो बेचारे पीछे हो गए, जो नए कांग्रेस से आ रहे हैं उनकी बल्ले बल्ले उनको मजा आ रहा है, उनको मिल रहे हैं सारे पद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही कारण है, जहां पे भी थोड़ा बहुत जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं जगह जगह से, वो यही कारण है कि उनको लगने लगा है कि ये अब अति हो गई है, क्योंकि मोदी जी ने तो कांग्रेस पार्टी में बदल दिया है भाजपा को एक तरीके से। वो पहले वाली चाल चरित्र की भाजपा रह कहाँ गई है? अब तो चाल चरित्र को तो छोड़िए, भ्रष्टाचारी भाजपा है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी। और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को दूसरे के बारे में कहते हुए 100 बार अपने गिरेबान में झाके कि उनका दामन कितना सफेद है। जी